हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा घोषित किए गए परिणाम में आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा की छात्रा महक धीमान ने बोर्ड सूची में 9वां स्थान हासिल कर जहां कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, वहीं आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा का मान भी बढ़ाया है। महक धीमान एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। महक के पिता कुलदीप धीमान पेशे से ड्राइवर हैं और माता गृहिणी है। महक धीमान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया है। महक ने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहती है। महक धीमान जी, आप 10वीं की हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 9वें स्थान पर रहे हैं, इसका श्रेय किसे देते हैं? अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स। आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में? मैं अपने जीवन में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कौन से विद्यालय से पढ़े हैं? आपके स्कूल का नाम क्या था? मैं आर्य पब्लिक स्कूल बनारस से पढ़ी हूँ। कौन सी क्लास से शुरू किया था यहाँ पढ़ना? मैं एलकेजी क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो आपको ऐसा उद्देश्य किसने प्रेरित किया कि उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आप मेरिट में आए? सबसे ज्यादा तो मुझे सीमा निरंकारी मैम ने फोकस किया कि ऐसा करो, अगर कभी मेरे मार्क्स कम आते थे तो वो मुझे मोटिवेट करते थे आगे कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपके मार्क्स हाईएस्ट हो, बाकी बच्चों के भी आगे हो सकते हैं। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो मेडिकल रखा हुआ आपने, क्या रखा हुआ? ठीक, आपकी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है और आप एक प्राइवेट स्कूल से पढ़े, तो इस पे आप क्या कहेंगे? स्थिति एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती हूँ मैं, और मेरे लिए तो मतलब मिडिल क्लास का मेरे लिए तो सब कुछ खुशियाँ होती हैं क्योंकि मेरे पापा मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो मुझे चाहिए। ठीक है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बंगाणा से जोगेंद्र देव आर्य की रिपोर्ट।